राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार से सवाल कर रही है और इस प्रेस वार्ता में भी कांग्रेस ने बीजेपी पर महंगाई और किसानों की आय जैसे मुद्दों को लेकर सवाल किया। बता दें कि कांग्रेस की गारंटी को 100% लागू करने पर जोर देने के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट की कांग्रेस पार्टी ही लाई थी। हमारे एक्ट को सिर्फ एकमात्र गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर खामियां बताई थी, लेकिन आज उसका नाम बदलकर उसे अब लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कल किसानों के मुद्दों को लेकर बड़ा खुलासा करेगी। लखनऊ से रेहान वारसी की रिपोर्ट। इतने दिनों इतने सवाल जो हम पूछ रहे हैं उसके पीछे सीपी राय साहब की वो ऊर्जा भी है, वो संबल भी है, जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस काम को करने के लिए हम सब लोगों को प्रेरित कर रही है। मोदी जी की महंगाई पर गिराई गाज 10 किलो अनाज, एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। तो हमने ये कोशिश की है आज कि हम इस योजना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो क्लेम है उसकी सच्चाई आपके सम्मुख रखें। कांग्रेस पार्टी पहले गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया, फिर पहली नौकरी युवाओं की पक्की का इरादा आपके सामने व्यक्त किया, फिर मनरेगा के 400 रुपए की बात हमने की ताकि महंगाई पर हम भविष्य के भारत में मोदी जनित महंगाई पर नियंत्रण पा सके। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जो अनाज की योजना कांग्रेस पार्टी ने 2013 में चालू की थी